तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताऊं सैमसंग की जो वॉइस रिकॉर्डर होता है दोस्तों, उसके अंदर का एक नया अपडेट के साथ और कमाल के नए एआई फीचर जो कि उसके अंदर आपको मिलते हैं और कैसे यूज करेंगे, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो करें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ वॉइस सैमसंग की जो वॉइस रिकॉर्डर ऐप होती है ना, उसके नए अपडेट के बारे में और कमाल के नए एआई फीचर्स के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल के अपडेट्स वाले सेक्शन में, चले जाना। अपडेट वाले सेक्शन में जाके आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा वॉइस रिकॉर्डर का एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि वर्जन नंबर 21.51.42.42.06 अपडेट, जिसमें बग फिक्सेस किया गया है और इनहांस कुछ नए फीचर्स एड ऑन किए गए। इसका भी अपडेट 7 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। इसका अपडेट साइज 33 MB का। अब यहाँ पर वैसे उन्होंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, पर फिर भी कुछ भी नया अपडेट आता है तो नए फीचर्स भी एड ऑन किए जाते हैं और छोटे छोटे बक्सेस जो भी कुछ इश्यूज होंगे उसको रेक्टिफाई किया जाता है। तो भाई बहुत शानदार ये वाला वॉइस रिकॉर्डर ऐप है। आफ्टर 6.1 अपडेट के बाद इसमें बहुत ही कमाल के नए नए एआई फीचर्स को एड ऑन कर दिया गया है, जिसके बाद आप इसको यूज करेंगे तो और भी अच्छे से इनहांस कर सकते हैं और भी इसकी सर्विसेज को आप यूज कर पाएंगे। लाइक इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर में, नॉर्मल मोड पे आ गया हूँ, नॉर्मल मोड पे आ गया। तो अब कोई अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे तो वॉइस रिकॉर्डिंग आप करेंगे, जो भी आप बोलेंगे वॉइस रिकॉर्डिंग होती जाएगी। आप देख रहे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है। और जब आप इसको स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने के सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पूरा समराइज भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसक्राइब कर दिया ना तो पूरा आपको ट्रांसक्राइब करके वो बता देगा कि मैंने क्या बोला है, जो मैंने बोला है पूरी उसमें बता देगा आपको। देख रहे हैं सब एक एक चीज वो आपको हिंदी में बोला तो हिंदी में लिख के बता दिया, और समराइज पे जाएंगे तो उसका एक शॉर्ट बता देगा कि इसमें आपने क्या बात करी है और क्या क्या चीज है, समराइज को पॉइंट वाइज वो अरेंज करके बता देगा। ये तो हो गई आपने वॉइस रिकॉर्डिंग। अगर आप कोई कॉल रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना, उसको भी वो समराइज कर सकता है। आप देख रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग को भी समराइज करके या उसको भी ट्रांसलेट करके बता देगा, समराइज करेंगे तो उसको भी आपको सब्जेक्ट वाइज हाईलाइट करके बता देगा। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता है और बहुत ही शानदार इसके अंदर फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, इस तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे। मुझे तो बहुत ही शानदार लगता है। और इस अपडेट के बाद क्या किया गया है, जैसे ट्रांसलेटर एसिस्ट में जाएंगे ना, ऑटो डिटेक्ट लैंग्वेज, जैसे कि इसको ऑन करके रखा है, ऑटोमेटिक वो लैंग्वेज को चूज कर लेगा और उसके बाद आपको ट्रांसलेट करके बता देगा। बाई डिफॉल्ट हिंदी और इंग्लिश के इसमें एड ऑन किए गए, आप चाहें तो और भी एड ऑन करके यूज कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से आप ऊपर यूज कर सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड मोड और इंटरव्यू मोड, दो नए मोड दिए गए। रिकॉर्डिंग क्वालिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं, हाई लो, रिकॉर्डिंग स्टोरियो, ब्लॉक कॉल वाइल्ड रिकॉर्डिंग, ऑटो प्ले, ये सब चीजें यहाँ पर आप एडजस्ट कर पाएंगे। मेन बात करें यार भाई इसके फीचर की, जो कि मुझे बहुत शानदार लगा कि अगर आप कोई कॉल रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना, उसको भी यहाँ पर आप पूरा ट्रांसलेट करके या फिर उसके अंदर की समराइज करके, मान लो कोई कॉन्फ्रेंस चल रही हो या कोई मीटिंग के पॉइंट्स हो आप, या फिर कोई डिस्कशन चल रहा हो ग्रुप डिस्कशन, उसको रिकॉर्डिंग करने के बाद आप उसको पूरा समराइज कर सकते हैं, जो जो आपके मेन के पॉइंट है उसका यूज, उसको सुन के उसका यूज आप यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो यही नया अपडेट था। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।